सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कौमी एकता और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से चेंबूर पुलिस स्टेशन की ओर से रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ शामिल होकर एक मिसाल कायम की। सभी ने इस आयोजन के उद्देश्य की जमकर तारीफ की। सबसे पहले रमजान के इस पवित्र महीने में मैं सभी को बधाई देता हूँ आने वाली ईद के लिए। और आज चेंबूर पुलिस स्टेशन की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। हमारे चेंबूर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में जो भी सभी मुस्लिम भाई सब मस्जिद के ट्रस्टीज मेंबर्स, सभी शांतता कमेटी, मोहल्ला कमेटी और कार्यकर्ता लोग और हमारे पुलिस मित्र सभी यहाँ पे आज मौजूद है। और बड़ी उत्साह से हमने आज रोजा इफ्तार का ये आयोजन किया था। हमारे एरिया में सभी सन उत्सव जो है जो होते यहाँ पे मनाते लोग। और हमारे यहाँ गणपति का जो विसर्जन होता है चरई तालाब में, वहाँ भी सभी इसमें हमारे लोगों की स्थानिक प्रशासन, लोक प्रतिनिधि और कार्यकर्ता, पुलिस मित्र, ये सब की हमको बहुत मदद मिलती है। और मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में सभी उत्सव सन जो है सभी अच्छे तरीके से लोगों की सहकार से, भाईचारे से मनाए हमने और पुलिस को बहुत सहकार मिला है। थैंक यू। देखिए, जो इफ्तार पार्टी जो पुलिस करती है, खासतौर पर चेंबूर पुलिस का ये प्रथा रहा है बहुत सालों से, इसका मेन मकसद है कि कौमी एकता बनाए रखने का। ऐसा नहीं कि जब भी कोई राइट होता है तभी पुलिस आ जाए, लेकिन जब भी शांति है तो शांति को बरकरार करने के लिए ऐसे जो इफ्तार पार्टी करते हैं। वैसे दूसरे जो के धर्म का जो फंक्शन होता है उसमें भी चेंबूर पुलिस स्टेशन उसमें शरीक होते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक रिवाज है। आप देखिए, माहिम दरगाह में जब भी उर्स होता है वहाँ के दरगाह में सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं, माहिम पुलिस का सीनियर PIPI चढ़ाते हैं। तो एक बम्बई का कल्चर जो है, बम्बई की तहसीब बिल्कुल अलग है, भाईचारा का यहाँ पे तहसीब है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये एक बहुत ही एक अहम एक डेवलपमेंट कह सकते हैं जो करते हैं। और हर पुलिस स्टेशन में होता है और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो भोसले साहब आए हैं तब से यहाँ का वातावरण चेंबूर में चेंज हो गया है। बहुत लोग का जो एक्सेस जो है, पहले बहुत लोग पुलिस डरते थे, पब्लिक डरते थे पुलिस में आने के लिए, लेकिन अभी वो डर चला गया, सब लोग आते हैं। एक फ्रेंडली एटमोसफेयर साहब ने यहाँ पर खड़ा किया है, तो वो हिसाब से आज का जो इफ्तार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़राब चल रहा था तो ये जो एकता है और अखंडता का जो हमारे जयप्रकाश सीनियर साहब ने जो सबूत दिया है, बहुत अच्छा सबूत दिया है। और हर साल ये अमर इफ्तार पार्टी होती रहती है पुलिस स्टेशन में। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी जो प्यार मोहब्बत बनी है हिंदू मुसलमान की, एक भाईचारा है, उसी हमारा सदा बना रहे। और हमारी ईद की भी बहुत शुभकामनाएँ देते हैं सबको हमारी तरफ से। सबके लिए है इतना भाईचारा, हिंदू मुसलमान एक साथ रखा है। और ये इफ्तार पार्टी बहुत बढ़िया भक्ति भावना से हुआ, हमें बहुत खुशी है। संगम है, प्यार है, दिवाली, ईद, दशहरा, मोहब्बत है ये इलाका में, इस माहौल में बहुत खुशी है। मेरा नाम वंदे मातरम रामजी अय्यर है, मैं मोहल्ला कमेटी सदस्य हूँ 35 साल से, माटंगा सेंट्रल लेवल से, माटंगा से अभी चेंबूर में रहते हैं। मैं बहुत खुशी हूँ, ऐसे रिमझिम मोहब्बत प्यार, संगम तो प्यार है, प्यार तो बंधन है, बंधन तो संगम है, यही मेरा नारा है। भाईचारा बहुत है इधर और चेंबूर पुलिस हर केस को, हर नागरिक को अच्छे ढंग से देखते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर भी अपना सुभाष नगर अभी इलाके में आया, वो नौसे पेट्रोल में अच्छे काम करते हैं, हमें बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं जो आयोजन किया ये चेंबूर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर भोसले साहब और उनके सारे सहकारी, उनको खुद शुभेच्छा देता हूँ। इतना अच्छा आयोजन किया, जरूरी इस तरह था कि अभी हाल ही में इलेक्शन ख़त्म हुए, हाल ही में इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मोदी साहब आए, साध्वी प्रज्ञा आए, हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, ऐसे बहुत सारी बातें चलने लग गई। लेकिन आज ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा मैसेज चेंबूर पुलिस स्टेशन ने दिया है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। और पुलिस ये रक्षक होते हैं पब्लिक की, उन्होंने रक्षक के सिवा एक समानता का आज मैसेज उन्होंने दिया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा।
और ये आयोजन हर साल होता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो लोगों के मन में चल भी चलती नई सरकार आने की वजह से दंगे वगैरह है कि एक हिंदू मुस्लिम समानता का एक मैसेज आपने देखा, सब हिंदू भाई मुस्लिम भाई क्रिश्चियन भाई सब मिलकर रोजा छोड़ रहे थे, एक समानता का मैसेज था। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।